नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। अगर आप छतरपुर मंदिर जाने का मन बना रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव भी वीडियो है। आपको कैसे जाना है दिल्ली के पास, दिल्ली से किस साधन से, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी वीडियो में। दोस्तों, मैं आज हूँ छतरपुर मंदिर। छतरपुर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली का। यहाँ पर बाकी दिनों में भीड़ तो होती ही है, लेकिन खासकर नवरात्रि के समय में काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इस मंदिर को आद्या कात्यायनी मंदिर या छतरपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहद है, खूबसूरत है, आकर्षक है। पूरे मंदिर में अगर आप चारों तरफ देखें तो सफ़ेद संगमरमर से इसकी अच्छी खासी नक्काशी की गई है, बनावट की गई है। और यह मंदिर करीब 70 एकड़ में फैला हुआ है। अब ये मंदिर का एक भाग है, बाकी की चीज़ें मैं भी आपको वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना संत नागपाल बाबा ने करवाई थी। जब वो यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था, तब से नागपाल बाबा वहाँ पे कुटिया बनाकर रहते थे। और बाद में आप देख सकते हैं कि कितना विशाल रूप में फैला हुआ एक मंदिर है यहाँ पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं बाहर के साथ साथ मैंने अंदर की भी काफ़ी अच्छी तस्वीरें, वीडियोस वगैरह शूट करी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया है मंदिर को। यहाँ से मंदिर से निकलने के बाद हम बाहर दूसरी तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं सामने, आप देख भी सकते हैं कि सामने जिस दूसरे भाग में जब ये मंदिर बना हुआ है तो आगे क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय पहले यहाँ पर इस मंदिर में गए होंगे तो पहले में और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले ये जो अभी आप बनावट देख रहे हैं सामने, पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अभी काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है मंदिर को। आप देख सकते हैं बिल्कुल जन्नत लगता है, इतना सुंदर लगता है। आप ये सामने देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं, आपने देखा था जब पिछली बार गए थे, शायद ये पिछले टाइम नहीं रहा होगा। अभी ये आप देख सकते हैं इस टाइम कछुए के ऊपर किस तरीके से शिवजी का त्रिशूल बना हुआ है, और काफ़ी ऊंचा भी है, दूर से दिखाई देता है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तो जब गया तो काफ़ी टाइम तक देखता ही रह गया, और मैंने आप लोगों के लिए आप काफ़ी अच्छे से शूट भी किया कि नहीं कोई भी चीज़ें रहना जाए। और सामने देख सकते हैं कि हनुमान जी की भी मूर्ति है। आप जब कभी आसपास से गुजर रहे होते हैं, चाहे मेट्रो से, बस से, तो हनुमान जी की मूर्ति आपको सामने बिल्कुल बिल्कुल दिखती है, दूर से दिखती है। दोस्तों, जो सामने आप देख पा रहे हैं जो गुंबद नुमा बना हुआ है, वहाँ पे संत नागपाल बाबा जी थे, उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। तो ये उनका समाधि स्थल है जो सामने दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पर इसके अंदर। अभी आप सामने देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर भी लगाई गई है और इंडिकेट भी किया गया है बोर्ड पे, आप देख भी सकते हैं समाधि स्थल। और ये देख सकते हैं स्वागत में परियों की कितनी अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्तों, इस मंदिर में खास क्या है, विशेष क्या है, अगर आपको बताऊं तो यह पवित्र स्थल अपनी निर्माण कला के लिए विख्यात है, वो भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें जिस तरीके की नक्काशी और बेहतरीन नमूने जो दर्ज हैं इसमें, ओ अतुलनीय है। दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये सत्संग भवन है। यहाँ पे सत्संग चल रहा था और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, और ये भी काफ़ी विशाल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा लोगों की, हज़ारों हज़ारों की संख्या में बैठने की क्षमता है। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी आकर्षक है। और ये जो कला है, जो बनावट है, ये भी दक्षिणी भारत से प्रेरित है। इसका निर्माण बिल्कुल दक्षिणी भारत के जो मंदिर हैं उनसे मिलते जुलते किए गए हैं, क्योंकि संत नागपाल बाबा कर्नाटक के थे, दक्षिणी भारत के थे, शायद इस वजह से। दोस्तों, काफ़ी समय से निकला था मैं, वीडियो बना रहा था, और देख सकते हैं आप शाम होने को आई, और शाम में जब ये लाइटें जलती हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों, शाम हो चुकी थी और शाम का नज़ारा लाइट जलने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, छतरपुर मंदिर के नियर बाई पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पे कुतुब मीनार लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वहाँ से होकर के छतरपुर आ सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल, कालकाजी मंदिर, तुगलकाबाद का किला, सिलेक्ट सिटी वॉक, ये सारी चीज़ें घूमने की हैं। आप वो भी घूम सकते हैं जो कि नियर बाई है छतरपुर मंदिर के।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।